नमस्कार दोस्तों, आइए देख लेते हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ बच्चों ने हमको ये स्पेशली भेजा, ये क्वेश्चन भेजे और उन्होंने बोला कि सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को बहुत ही सुपर फास्ट ट्रिक से। ध्यान से देखिएगा कि दोस्तों क्वेश्चन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 15 को भाग देना है एक्स माइनस 3 से और व्हाट इज द रिमाइंडर, इसका शेषफल बताना है। तो दोस्तों इसके पहले हम आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा चुके हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको देख लीजिए। अब दोस्तों जैसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्या होता है, जैसे हमने यहां पर लिख दिया 13 को भाग देना है, जैसे हमने दोस्तों लिख दिया कि यहां पर 13 को भाग देना है 5 से, तो व्हाट इज द रिमाइंडर। तो आप ये बता देंगे तो क्या था केस में, ये बताइए कैसे कटेगा। तो यहां पर अगर कर देंगे तो माइनस 2 कर दें और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो अब इधर जुड़ जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये माइनस 2 यानी कि माइनस 2 बटे 5 और यहां पर 5 में से 2 कटेगा तो आंसर कितना हो गया, 3 हो गया, यही आंसर हो गया। मैंने ये आपको बताया हुआ है, यही इसका रिमाइंडर हो गया, आंसर रिमाइंडर में कितना आएगा, 3। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले इसको आप देख लीजिए तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। आइए देखें, अब एक और कोई जो पूछ लेता है वो ये होता है कि अगर दोस्तों दिया गया है, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 18 के पावर 210 डिवाइडेड बाई 17, व्हाट इज द रिमाइंडर। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, उसका भी वीडियो में लिंक दिया गया है। तो जो है क्या करते थे, 18 × 18 × 18 डॉट 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 210 बार अपान नीचे 17 लिखा हुआ है, यहां पर क्या कर दें, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, तो दोस्तों प्लस कर देंगे तो घट के आएगा 17 पूरा कट जाएगा और गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, 1/17, और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अब कुछ बच्चों ने जो क्वेश्चन भेजे वो दोस्तों ये थे कि सर इस तरीके से कैसे होगा, जो बहुपद हमें दिया गया है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसमें हम कैसे रिमाइंडर निकालेंगे या इसमें कैसे शेषफल ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से, इसको मैं पहले जनरल बता देता हूं, कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखा करिए तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक तरीका है कि दोस्तों बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि यहां पर लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 15 को एक्स माइनस 3 से डिवाइड कर दें, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन जो मैं अभी बताऊंगा वो एक सुपर फास्ट ट्रिक होगा। पहले इसको समझिए कि दोस्तों क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स से भाग देंगे तो इसमें गुणा होता है तो एक्स स्क्वायर और माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, 3x, ये बचपन से पढ़ाया गया है, कक्षा 8 की चीज है। यहां पर प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है माइनस है तो प्लस, दिस से दिस कैंसिल आउट, यहां बताइए कितना हो जाएगा 7, अगर यहां पर हम देखेंगे तो लेस हो जाएगा 7 नहीं, ये प्लस है तो यानी कि माइनस का क्या बचेगा 4x, और इधर कितना लिखा हुआ है 15, इसको उतार लिए। अब बोलो कितनी बार ले जाए, माइनस 4 बार ले जाए तो माइनस 4 इसको कर देंगे तो माइनस 4x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पर जब हम देखेंगे तो 4 किया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहां देखो प्लस यहां माइनस, दिस इज कैंसिल आउट, 15 में से जाएगा तो कितना बचेगा 3, यही दोस्तों इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही इसका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो ये तो जनरल तरीका है, ये सभी वो लोग जानते हैं, लेकिन अब आपको सुपर फास्ट तरीके से बता रहा हूं, आज के बाद ये चीजें आपको नहीं करनी है। तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों ट्रिक मेथड क्या है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 15 अपॉन एक्स माइनस 3 से भाग देंगे, व्हाट इज द रिमाइंडर या उसका शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए कुछ नहीं करते हैं, जो नीचे पार्ट होता है
नीचे वाला पार्ट क्या है x माइनस थ्री, पहले इसको हम जीरो के बराबर करते हैं। अब जीरो के बराबर करेंगे तो जब ये तीन उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो गया, तीन हो गया। यही x की वैल्यू अंश में जो दी गई संख्या है x की वैल्यू अंश में पुट कर देते हैं। तो देखिए ये हमने x बराबर निकाल लिया, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, x स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 15, x का मान रख दीजिए। तो x का मान दोस्तों यहाँ पर कितना है, 3 निकाले हैं, 3 का पावर होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 15। देखो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, इसलिए 27 माइनस 7 त्रिक 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। क्लियर। अब जरा यहाँ से देखिए, अगर इस चीज को हम घटा देंगे तो यहाँ से इसको घटाइए तो कितना बचेगा, अगर इसको घटाएंगे तो लास्ट में हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो गया, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अब इसी वैल्यू को हम निकालेंगे तो 27 में से बताइए ये घटेगा तो कितना बचेगा, अगर यहाँ पे हम 27 में से लेस कर देंगे इस चीज को, 27 में से लेस करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, स्क्वायर यहाँ 27 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर 3 त्रिक का कितना होगा, 9 होगा, ये मिस्टेक हो रहा था। अब यहाँ देखो स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 होगा, मैंने क्यों कर दिया था। अब यहाँ पर जरा इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 और 9, 25 9 कितना हो जाता है 24, 24 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा 3। यही हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। क्लियर, यही हमारा कितना हो गया, रिमाइंडर। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्लियर, अब आइए देख लेते हैं, तो इसका आंसर जो है इसका रिमाइंडर से फल कितना आएगा, 3 आएगा। राइट, अब दूसरा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी कई लिखे हुए हैं। जैसे यहां लिखा है x के पावर 11 प्लस 1 को भाग देना है x प्लस 1 से, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो मैंने बोला नीचे वाला पहले क्या लिखा है, x प्लस 1 को 0 के बराबर करिए और x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, इधर जाएगा। अब यही माइनस वैल्यू ऊपर वाले में पुट कर दीजिए, किसमें, x के पावर 11 प्लस 1 में। तो दोस्तों पुट करिए तो यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 के पावर 11 और प्लस 1, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि माइनस के पावर जब विषम संख्या होती है तो चिन्ह हमारा किसका होता है, माइनस का। तो माइनस 1 प्लस 1, दिस कैंसिल आउट, आंसर कितना हो जाएगा, 0। दोस्तों इसका जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों एक और देख लेते हैं, एक और आपका दिया गया है कि दोस्तों x के पावर 40 यहाँ दिया है, देखिए तो यहाँ पर x के पावर 4 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1, इधर जाएगा माइनस 1, 1 का 1 4 ही होगा, a कुछ घात असर होगा नहीं 4 पे। अब जरा ऊपर वाले में पुट कर दो, किसमें पुट करना है, x के पावर 40 प्लस 3 में। तो देखिए सबसे पहले इसको हम क्या कर ले, सिंपलीफाई कर ले या वैसे ही रख दीजिए जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस 1 के पावर ऊपर 40 है प्लस यहाँ पर 3 है। जब सम ऊपर की संख्या हमारी सम होती है, देखिए माइनस x के पावर सम संख्या होती है तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है, और माइनस x के पावर हमारी विषम संख्या होती है तो ये माइनस x के पावर विषम संख्या होती है। तो कौन सा रूल लगेगा, ऊपर वाला, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, आंसर कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक और देख लीजिए लास्ट में, अगर दोस्तों एक और दिया है, जैसे हमने यहाँ कर दिया x के पावर कितना लिखा हुआ है, 51 प्लस 51 और x प्लस 1, तो व्हाट इज द रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले भाग देने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले में x प्लस 1 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 उठा के इसी में पुट कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस 51 सॉरी माइनस 1 के पावर कितना हो जाएगा, 51, और यहाँ पर प्लस कितना है, 51, तो यहाँ पर माइनस है ना और माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 51 ही है। तो इसको जब कर देंगे तो संख्या माइनस 1 प्लस 51 एक घट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 50, आंसर कितना हो जाएगा, 50। करेक्ट, अब दोस्तों एक क्वेश्चन और इसमें देख लीजिए, एक क्वेश्चन और दिया है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, जैसे देखिए क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन दूसरा था, यदि x के पावर 51 प्लस a, x के पावर 51 प्लस a अपॉन x प्लस 1, x प्लस 1 और रिमाइंडर इस बार दिया गया है 50 और रिमाइंडर दिया है 50, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको इस बार दिया गया है, तो
देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों जानते हैं कि इस वाली संख्या में हमें क्या करना है, x प्लस वन बराबर जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस वन उठा के ऊपर वाले में पुट कर देंगे और इसके बराबर होगा तो x के पावर 51 प्लस a बराबर r, और r की वैल्यू आपको गिवन है तो रख दीजिए। तो यहां देखिए माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन आएगा और प्लस a आएगा बराबर यहां 50, ये उधर जाएगा तो a इज इक्वल टू 52, यहां पर क्या होना चाहिए 52, यही दोस्तों क्या हो गया आंसर हो गया। तो दोस्तों एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं, कुछ नहीं करना है, जो हर में वैल्यू दी गई है उसको जीरो के बराबर कर लो, जो वैल्यू आपकी हर में दी गई है, 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 ऊपर वाले को अंश बोलते हैं नीचे वाले को हर, जो वैल्यू हर में दी गई है उसको जीरो के बराबर कर लो। तो जब जीरो के बराबर कर लेंगे तो जो मान हमारा एक्स का आएगा उसको अंश में पुट कर दीजिए, वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, एक लाइन में ये चीज आप निकाल सकते हो अगर आप थोड़ा सा, और अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, जो मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए हुए हैं उनको आप देख लीजिए, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपसे बोलता हूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, कमेंट्स करना मत भूलिए और अपने मित्रों में शेयर करना भी मत भूलिए। क्लियर दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको कुछ नए क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट्स करिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर दिन नए नए टाइप के क्वेश्चन नए नए ट्रिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों अगर आपको शिक्षा आसान बनानी है तो आप हमारे सारे वीडियो देख जाइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैथ और रीजनिंग इतनी आसान लगने लगेगी कि आपको इतनी आसान लगने लगेगी कि आप इमेजिनेशन मतलब फील करोगे, कुछ नया आपके अंदर कुछ परिवर्तन होगा, आप नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। बस आप हमारे सारे वीडियो देख लीजिए, फिर आप मुझे कमेंट्स करिएगा कि सर आपने जो कहा था वो सही था या नहीं। तो दोस्तों अपने सभी मित्रों को शेयर करना मत भूलिए, जिससे उन गरीब बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके जो हमारे पास पढ़ने नहीं आ सकते हैं ऑफलाइन, या जो मुझसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं। तो दोस्तों उन्हीं के लिए यही एक बहुत बड़ा सहारा होगा, ये हम लोग हमारी और आपकी मदद से उन गरीब बच्चों का भी भला हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।